दो बेल के ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के, हम श्योरिटीज़ वहाँ पे जमा करा चुके हैं, सारी बात मेडिकल ट्रीटमेंट की वहाँ पे हो चुकी भी है, तो मज़ीद कहीं पे श्योरिटी जमा कराने की वो ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा स्टांस है, तो इसके फिर फर्दर सुबह 10 बजे तक उन्होंने फिर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। नवाज शरीफ का हुकूमत की शर्त के मुताबिक वतन वापसी के मुतालिक श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने से साफ इनकार। शरीफ खानदान के नुमाइंदे ने काबीना की जेली कमेटी को मौकिफ से आगाह कर दिया। कमेटी ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे फिर होगा। शरीफ फैमिली के नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने पर कायल करने की कोशिशें। शहबाज शरीफ ने जाती उम्र में बड़े भाई से 1.5 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन उन्हें कायल ना कर सके। उधर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आज भी लंदन रवानगी कंफर्म ना हो सकी। एयर एम्बुलेंस को भी पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत नहीं दी गई। एक सजा याफ्ता बंदा बाहर कैसे जा सकता है, लेकिन फिर भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह लाजमन गौर किया गया कि कल ये ना कहा जाए जी कि इन्हें इलाज मुआलजे की प्रॉपर सहूलियात फराहम नहीं की गई। नवाज शरीफ को श्योरिटी बॉन्ड के बगैर बाहर नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ ने अदालत में मचल के तो जमानत के लिए जमा कराए। पाकिस्तान में ऐसा कोई केस नहीं कि सजा याफ्ता शख्स इलाज के लिए बाहर गया हो। अदालत ने जितना जुर्माना किया उतनी मालियत का श्योरिटी बॉन्ड देना होगा। उधर जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी कहते हैं हुकूमत कानूनी पर श्योरिटी बॉन्ड नहीं मांग सकती। JUI के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के प्लान बी पर आज से अमल दरामद होगा। फजलुर रहमान का ऐलान, कहा आजादी मार्च की शुरुआत आज भी इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद शहरी घरों से निकलेंगे, आजादी मार्च की शुरुआत उनका साथ देंगे। मौजूदा जलसागाह से दूसरी जगह मुंतकिल होंगे। तमाम मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान में मुस्बत इनकलाब लाने के लिए आगे बढ़ेंगी। वफाकी हुकूमत की नई हिकमत अमली तैयार। आजादी मार्च को नजरअंदाज करने का फैसला। वजीर आजम ने वज़रा और हुकूमती तर्जमानों को JUI के आजादी मार्च पर बयानबाजी से रोक दिया।